आज हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन इंटरवल पे डिस्कस करेंगे। अब इंटरवल में क्लोज इंटरवल है कि ओपन इंटरवल है, दोनों पे चेक करें। जैसे मान लीजिए कि पहले तो क्या कंटिन्यूटी है, इंटरवल में होता क्या है, पहले तो डेफिनेशन देखा जाए। तो कहेंगे ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ए बी If and only if f is continuous at every point on the interval, मतलब अगर ये ओपन इंटरवल है तो a और b को छोड़ करके a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर होते हैं सब पे उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फिर ए फंक्शन f is set to continuous in closed interval, तो अगर ये closed interval a भी हमारा है तो आप किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल में कब कहोगे कि जब पहले तो वो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और ए के राइट पे और बी के लेफ्ट पे। तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एट फ्रॉम द राइट एंड एट बी फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब ए के राइट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और बी के, तो इसके ए का आर एच एल निकालेंगे और बी पे एल एच एल निकाला करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। हर फंक्शन अगर अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा कोई भी फंक्शन, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इन पर्टिकुलर इफ डोमेन ऑफ ए डोमेन इज ए क्लोज इंटरवल तो देन एफ मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए भी, वो ओपन इंटरवल पे होना चाहिए, ए का राइट होना चाहिए और बी का लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। द टेस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द कंटिन्यूटी। कहते किस डोमेन ऑफ द कंटिन्यूटी, तो उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने इलेवेंथ में फंक्शन पढ़ा, ट्वेल्थ में पढ़ा, तो डोमेन का मतलब जानना चाहिए। फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए हम लोग कुछ एग्जांपल निकालते हैं। अब हम करेंगे इंटरवल के बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, पता चला हर पॉइंट का निकालते रहेंगे तो एक ही फंक्शन का ज़िंदगी भर निकालते चले जाएंगे, कभी हम कंटिन्यूटी पता नहीं कर पाएंगे। तो उसका एक तरीका होता है कैसे कोई आर्बिट्ररी वैल्यू लेके निकालते हैं, तो आइए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए इसका पहला एग्जाम्पल, आप देख रहा है यहाँ पर एक फंक्शन है और बोर्ड वगैरह में पता दो तरीका होता है सॉल्व करने का। आप इस फंक्शन का अगर ग्राफ बना देते ना और लिख देते इट इज़ एविडेंस फ्रॉम द ग्राफ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तब भी आप इसको दिखा सकते थे। लेकिन पहले आइए ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है दिखाते हैं हम लोग इसका। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन है और लेस देन आर इक्वल टू है, इट मीन्स वी आर टेकिंग ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसका जो डोमेन आ रहा है आपका रियल नंबर आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ओपन इंटरवल रियल नंबर को ऐसे लिखते हैं, तो इसका डोमेन रियल नंबर है और हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इंटरवल पे। तो देयरफॉर वी हैव टू एग्जामिन एफ फॉर कंटिन्यूटी एट ऑल एक्स बिलोंग टू आर, हम हर रियल नंबर पे चेक करेंगे। तो उसका जो तरीका क्या होता है कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, आप उसके डोमेन में से एक कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले हो, तो तीन केस मिलेगा क्वेश्चन को देख करके। एक बार सी की वैल्यू एक से बड़ी आएगी, एक बार एक से छोटी आएगी और एक बार सी इज इक्वल टू वन आएगा। तो हम लोग बारी बारी से हर केस को डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट पे क्या करेंगे कि अगर वो सी एक से छोटा है तो आप फंक्शन की जगह पे यहाँ पे एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू है तो एफ सी की जगह पे थ्री सी माइनस टू ले लोगे, ठीक, एक आ गया। अगर आप इस पर लिमिट भी निकालोगे तो x टेंस टू सी उससे छोटा है तो उसको छोड़ देंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिमिट भी निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, और फंक्शन में बता दिए कि अगर एस सी की वैल्यू एक से छोटी है तो एफ एक्स की जगह आप इसका इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे 3x माइनस टू आएगा और x की जगह हमें c लिखना है और c पता है कि एक से छोटा है, तो जब c लिख देंगे तो ये 3c माइनस टू आएगा इज इक्वल टू एफ सी आएगा। तो हमने क्या देखा कि जब c की वैल्यू एक से छोटी है और लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स एफ सी के बराबर है तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा कब, व्हेन सी इज लेस देन वन। इसी तरह से केस टू पर चलेंगे,
सी इज ग्रेटर देन वन। जब c इज ग्रेटर देन होगा तो फंक्शन क्या लिखोगे, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन है तो एफ एक्स की जगह आप 3x माइनस 4 लिखोगे, तो देन एफ सी जब निकालोगे तो 3c माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, अब लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स निकालेंगे हम लोग, तो हमको पता है कि यहाँ पे c की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इस फंक्शन एफ एक्स की जगह आप इससे इसको लिखोगे 3x माइनस 4 को पुटअप कर दोगे, और 3x माइनस 4 और फिर जब x की जगह c लिखोगे तो 3c माइनस 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम आ गए। तो इसका मतलब जब c की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी के बराबर आ रहा था। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस है जब c की वैल्यू 1 से बड़ी। सिर्फ इसमें लिखना होता बहुत आसान होता है, लिखना आपको आता तो नो डाउट मजा आ जाएगा चैप्टर करने में। ठीक है, पिछले वीडियो हमारे अच्छे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, हमारे पास ना माइक है ना कायदे का कैमरा है, लॉकडाउन पीरियड में कुछ मिल नहीं रहा है, तो प्रयत्न कर रहे हैं कहीं से जुगाड़ करें, मिल जाए तो शुरू करेंगे अच्छे से, आपको मेरा प्रयत्न रहेगा कि आपको संतुष्ट कर सके। ठीक, आइए आगे बढ़ते, ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको एम एल अग्रवाल की बुक से ही बताता हूँ, एग्जाम्पल वगैरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एनसीईआरटी तो सब बता रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए केस थर्ड कि जब c की वैल्यू 1 आएगी, तो आपने यहाँ पे देखा था कि जब यहाँ पे क्वेश्चन था कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, तो जब c इज इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में भी आप fx की जगह 3x माइनस 2 ही लिखोगे, तो जब 3x माइनस 2 लिखोगे c इज इक्वल टू 1 तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 1, तो 3 इंटू 1 माइनस ये 1 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखना कि जब इक्वल होता है तो उस पर एल एच एल भी निकाल लेना, आर एच एल भी निकाल लेना। जब x इज इक्वल टू 1 पे हम लोग या c इज इक्वल टू 1 पे एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, आपको पता है कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, 3x माइनस 2, और फिर वहाँ पे क्या करेंगे इस x की जगह 1 लिख देंगे तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, फिर इसका आर एच एल चेक करेंगे, जब आप आर एच एल चेक करेंगे हम लोग तो आर एच एल यहाँ से आएगा हमारा, तो वो 3x माइनस 4, इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 आ गया, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा, तो हमने ये देखा कि ये फंक्शन जब c की वैल्यू 1 से बड़ी थी तब भी कंटिन्यूअस था, 1 से छोटी थी तब भी कंटिन्यूअस था, लेकिन c इज इक्वल टू 1 पे एल एच एल जो था वो आर एच एल के बराबर नहीं था। फंक्शन की कंटिन्यूटी का जो रूल होता है वो उसके हर पॉइंट पे होना चाहिए। तो आप कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट व्हाट, और अगर आप इसका ग्राफ बनाते ऐसे तो इसका ग्राफ आपका इस तरह से आता, बस वहीं पे क्या करते ये जो थी हमारी यहीं पे x की वैल्यू 1 लिखते 2 लिखते, x की वैल्यू 1 लिखते 0 लिखते, ठीक है, तो x की जगह 1 लिखते 0 लिखते, तो इसका ग्राफ हमारा 0 लिखते तो ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा हमारा, तो ये वाला ग्राफ ऐसे आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 0 पे जैसे 1 पे आ रहा था तो 1 पे इसके ग्राफ में ब्रेक आ गया, तो ग्राफ से भी एग्जाम में हम दिखा सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल टू एकदम इसी तरह से है। अब देखो क्या है, x लेस देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 0, तो डोमेन इसका क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके है, तो यहाँ पे आप दो केस बनाओगे, तो क्या करोगे, इसका डोमेन रियल नंबर है, आप क्या करेंगे लेट सी बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, तो टू केसेस होगा क्योंकि यहाँ पे या तो सी जीरो से बड़ा होगा या तो सी जीरो से, जब सी जीरो से बड़ा होगा तो आप एफ एक्स जगह इसको इस्तेमाल कर लोगे तो एफ सी सी प्लस टू आ जाएगा, तो हम कहेंगे एक्स सी जीरो से बड़ा है तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। अगर सी की वैल्यू 0 से छोटी है तो आप फंक्शन ये ले लोगे तो एफ सी की वैल्यू ये आ जाएगी, फिर वही लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एफ सी आ गया, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर सी की वैल्यू 0 से बड़ी है 0 से छोटी है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। डोमेन भी तो यही था हमारा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और अगर इसका ग्राफ बनाते हम लोग तो इस वाले का ग्राफ एक्स की वैल्यू 0 से छोटी आएगी तो ये ग्राफ आपका आएगा किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ ये होगा, और ये ग्राफ होगा माइनस एक्स प्लस टू का, ऐसे करके। फिर आप देखोगे तो ग्राफ से देख रहे हो कि जो डोमेन था हमारा, अगर हम एक्स वैल्यू इधर 0 चलते तो ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस है, एक्स वैल्यू 0 से बड़ी चलते तो ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा, इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन दैट इज सेट अप ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल 3 था ये। अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप ध्यान से देखो इस फंक्शन का डोमेन क्या है,
एक्स इज लेस देन जीरो तो साइन एक्स अपॉन एक्स है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है। आप ठीक, तो पहले इसका डोमेन तो रियल नंबर आ गया, जब रियल नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर, तो तीन केस अराइज हो जाएंगे, एक सी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, एक सी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, एक बार सी इज इक्वल टू जीरो होगा। तो जब सी इज इक्वल टू केस वन हमारा सी इज लेस देन जीरो होगा तो हम इस फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, तो एफ सी साइन सी अपन सी आ जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू जीरो से छोटी लिख रहा है तो यहाँ पे एक्स की जगह सी लिख देंगे तो साइन सी अपन सी आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स निकालेंगे तो एक्स की जगह सी लिखना है तो साइन सी अपन सी हमारा है, दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो साइन सी एफ सी आ गया। तो हमने क्या देखा कि सी की वैल्यू जीरो से छोटी थी तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी था तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ठीक, इसी तरह सी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो एफ सी की वैल्यू आपकी सी प्लस वन आ जाएगी, यहाँ पे से ये सी प्लस वन आ गया, और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की जगह सी लिख देंगे तो देख रहे हैं कि एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी आ जा रहा है तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल सी इज ग्रेटर देन जीरो। अब आती सी इज इक्वल टू जीरो पर, तो सी इज इक्वल टू जीरो पर आपको एल एच एल भी निकालना पड़ेगा, आपको आर एच एल भी निकालना पड़ेगा और एफ जीरो भी निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसका एफ जीरो एल एच एल आर एच एल निकालोगे तो पहले तो सी बराबर जीरो पे तो एफ जीरो निकाल लिया, अब एल एच एल निकालेंगे तो हम लोग इस फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, साइन सी अपन सी लिख रहे हैं, सी की वैल्यू हमारी ठीक है, तो ये हमारा एल एच एल निकाल लिया हमने तो ये आपका आ गया साइन सी बहन। इसी तरह से आर एच एल निकालते हैं हम लोग अगर ऐसे तो ये वैल्यू भी हमारी आ जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शन तीनों केसेस से, केस वन हो, केस टू हो, केस थ्री हो, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। इसके बाद आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप खाली एग्जाम्पल इसके पढ़ लोगे हर बुक के क्वेश्चन और 100% आपको बोर्ड में मिलेगा। इसके बाद देखिए ये है, आप देख रहे हो ये मॉड कोई किस तरह का फंक्शन है, इसको हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। आप कह रहे हैं सो दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो एन सी आर टी, है ना, तो ये सिग्नम फंक्शन है। तो हम क्या करें, जब भी मॉड आता है तो उसको दो केस में डिवाइड करेंगे, जब एक्स की वैल्यू जीरो से तो हमको पता है कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है एक्स लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम क्या करेंगे, दिस एफ एक्स कैन बी रिटन एज, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। आपको याद भी होगा कि जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो अगर यहाँ पे प्लस वन होता तो हम लोग क्या करते, ऐसे करके एक ही स्ट्रेट लाइन आती थी ऐसे, दिस इज अ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन, ये ग्राफ होता था हमारा इज इक्वल टू वन, कब कि जब एक्स की वैल्यू हमारी जीरो से बड़ी होती थी। और इसी तरह से अगर माइनस वन यहाँ पे करते तो इधर की तरफ ये ग्राफ ऐसे हमारा यहाँ पे होता, यहाँ पे ये होल होता, ब्रेक होता ऐसे, ये एक्स बराबर माइनस वन का ग्राफ होता था हमारा, एफ एक्स बराबर माइनस वन का ग्राफ होता था यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे हमारी ओरिजिन हो गई, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप जब लिखेंगे हम लोग इसको ऐसे तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो वही करेंगे डोमेन तो इसका रियल नंबर है, तो फिर वही तरीका, बस आपको आदत डालनी लिखने की, तो डोमेन इसका रियल नंबर है, लेट सी बी एनी रियल नंबर, तो थ्री केसेज अराइज होगा, सी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, जीरो से छोटी होगी, जीरो के बराबर होगा, जीरो से बड़ा होगा तो एफ एक्स की जगह आप वन लिखोगे तो एफ सी माइनस, है ना, जीरो से बड़ा होगा हमारा तो ठीक, पहले छोटे से शुरू करते हैं, सी इज लेस देन जीरो है तो हम एफ एक्स की जगह माइनस वन लिख देंगे तो एफ सी माइनस वन आ जाएगा, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और एफ सी के बराबर भी है। जीरो से बड़ा होगा अगर हमारा फंक्शन तो एफ एक्स की जगह सी वन लिख लेंगे तो एफ सी वन आ जाएगा, तो इस पे भी हमारा कंटिन्यू क्या फिर लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है एफ सी के बराबर हमारा, तो हम कहेंगे जीरो से छोटा है, जीरो से बड़ा, जब जीरो पे आएंगे तो एफ जीरो जीरो आएगा, एल एच एल निकालेंगे तो माइनस वन आएगा, आर एच एल निकालेंगे तो प्लस वन आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है जीरो को छोड़ करके। तो बस वैसे फ्रॉम कंबाइनिंग ऑल दिस केसेस वी फाइंड दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो। या ग्राफ भी जो बनाया था हमने तो हमने क्या देखा था कि जी यहाँ पे ये प्लस वन आता था नीचे हमारा, तो आप अगर बोर्ड वगैरह में बच्चा सिर्फ ग्राफ बना के लिख देता है इट इज़ ए एविडेंस फ्रॉम द ग्राफ,
तो अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो बच्चे को फुल मार्क्स प्रोवाइड करता है बोर्ड। ठीक, आइए बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल। बस ऐसे लिखना है खाली हम लोग को, देखिए आप, और बड़ा मज़ा आएगा आपको करने में। ये एग्जांपल 5 क्या था, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहले इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, आप देखिए क्या है, ये किस तरह का फंक्शन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 भी है, नॉट इक्वल टू 3, तो इसका डोमेन तो रियल नंबर हो गया क्योंकि यहाँ पे, ठीक। तो देयरफॉर वी हैव टू एग्जामिन फॉर कंटिन्यूटी, तो वही तरीका, लेट सी बी एनी रियल नंबर, तो यहाँ पे दो केस एराइज होगा। क्यों एराइज होगा, क्योंकि यहाँ पे या तो c की वैल्यू 3 के बराबर होगी या तो 3 के बराबर नहीं होगी। तो इफ़ c इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो जब c इज़ नॉट इक्वल टू 3 तो एफ एक्स जगह फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। जब आप एफ सी निकालोगे तो c की पावर 4 माइनस 81, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक। तो ये एफ सी के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस एट ऑल c इज़ नॉट इक्वल टू 3। अब जब c इज इक्वल टू 3 होगा, तो जब यहाँ c इज इक्वल टू 3 आ रहा है हमारा से, तो हम लोग क्या करेंगे इस पर, आइए तो उस पर लिमिट भी निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो x टेंस टू 3 पे निकालेंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आपने फार्मूला एक पढ़ा था, ऐसे याद करिए, लिमिट x टेंस टू a था ना, x टेंस टू a आपको याद होगा, 11th में पढ़ा था आपने, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, याद पढ़ा, इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस वन। अब आप इससे कंपेयर कर लेते अगर, या उसको फैक्टराइज कर लेते, तो एन की जगह पे यहाँ पे 4 आ रहा है, ए की जगह पे हमारा कितना आ रहा है, आप देख लीजिए, 3 की पावर 4 करेंगे 3 आ गया। सॉल्व करेंगे तो ये एफ देखो, तो यहाँ पे एफ 3 तो हमारा 81 आ गया है, ठीक, और लिमिट एक्स टेंस टू 3 जो हमारा आ रहा है वो 108 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन c इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है, तो दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये भी आपका NCERT का, देखिए। तो जब भी हमने कहा था मॉड अगर कहीं आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, -3 से छोटा है, बराबर भी है, बड़ा भी है, उसके बीच में भी है, तो पहले तो इसका डोमेन रियल नंबर है, ठीक, आपको एग्जामिन करना है। तो देयरफॉर वी हैव टू एग्जामिन फॉर कंटिन्यूटी एट ऑल एक्स बिलोंग टू आर, तो हम क्या करेंगे, सी बी एनी रियल नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे, देखो, एक बार सी की वैल्यू -3 से छोटी होगी, एक बार 3 से बड़ी होगी, ठीक, एक बार इसके बीच में होगी, एक बार c इज इक्वल टू -3 होगा, एक बार c इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है ना। तो इन सब पे हमको डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया ना कि मेन क्या ध्यान रखना है आपको, मेन इसमें केयर यही करना है कि इसका डोमेन रियल नंबर है। और यहाँ पे इन केस को देखने के बाद अगर c कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर लेते तो 5 केस कैसे बनाते। तो एक केस तो हमारा होता है c इज़ लेस देन -3, ठीक, फिर c इज इक्वल टू -3, फिर या तो ऐसे c इज लेस देन -3, c इज इक्वल टू -3, फिर c की वैल्यू -3 से +3 के बीच में ओपन इंटरवल होगा, फिर c इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, फिर c इज ग्रेटर देन। तो इस तरह से 5 केस पे आपको खर्च, सिर्फ इस चैप्टर में लिखने की कला होती है, बस आसान होता है, ठीक। अब जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जब केस फर्स्ट का सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे, तो हम लोग जब 5 केस बांटेंगे, तो पहला केस हमारा क्या है, इफ़ c इज़ लेस देन -3। जब c इज़ लेस देन -3 है, तो हम मॉड की डिफिनेशन के हिसाब से जब आप इसको ब्रेक करोगे, तो आपको पता है x की वैल्यू 0 से छोटी होती तो नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो मॉड ऑफ c दिखाता है, जब c की जगह -3 लिखते हैं हम लोग ऐसे, ठीक, तो ये -3 यहाँ पर निकाल रहे, तो ये मॉड ऑफ c लिखेंगे, तो ये मॉड ऑफ c +3 इज इक्वल टू एफ सी आएगा, छोड़ दीजिए पे हम इसको। तो फिर हमने देखा कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स एफ सी के बराबर आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है व्हेन c इज लेस देन -3। इसके बाद नेक्स्ट का आता c इज इक्वल टू -3 पे, जब c इज इक्वल टू -3 पे करोगे अगर आप ऐसे, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू -3 करेंगे हम लोग, तो x की जगह -3 लिख देंगे, तो मॉड ऑफ -3 +3 6 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, c का LHL निकालोगे, c का RHL निकालोगे। जब इक्वल होता है तो उस पर LHL RHL या लिमिट एक्जिस्ट निकालनी होती है। तो ये fc तो हमने निकाल, f -3 तो निकाल लिया,
आप 3 माइनस निकालेंगे, LHCl निकालेंगे तो XC की वैल्यू माइनस 3 से छोटी, तो फंक्शन का ही इस्तेमाल करोगे और यहाँ लिखोगे तो ये भी 6 आ जा रहा हमारा। फिर जब आप RHCl इसका निकालोगे तो RHCl निकालोगे तो 3 से बड़ा होगा, तो यहाँ देखो 3 से बड़ा है तो यहाँ मिलेगा, 3 से बड़ा होगा अगर, माइनस 3 से बड़ा होगा सॉरी, तो माइनस 3 से बड़ा होगा तो माइनस 2x लिखेंगे, तो x एक माइनस 3 लिख देंगे तो ये प्लस 6 आ गया। तो हमने क्या देखा, C इज इक्वल टू माइनस 3 पे f माइनस 3 LHCl RHCl सब 6 आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन C बराबर माइनस 3 पे भी कॉन्टीन्यूअस है। फिर तीसरा केस होगा, C की वैल्यू माइनस 3 से बड़ी होगी और प्लस 3 से छोटी होगी, तो आप उसके लिए तो क्या करोगे, एफ एक्स की जगह माइनस 2x फंक्शन सर। फिर जब आप उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एफ सी आ गया, तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो गया हमारा, तो माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में भी कॉन्टीन्यूअस है। अब बारी आती है सी इज इक्वल टू 3 पे, जब सी इज इक्वल टू 3 पे तो एफ 3 निकाल लोगे, तो सी इज इक्वल टू 3 होगा तो पता है ना कि अगर एक्स की वैल्यू 3 के बराबर या उससे बड़ी होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो एफ एक्स हमारा 6x प्लस 2 आएगा। तो इसके लिए पहले फंक्शन करें, फिर एक्स जगह 3 लिख देंगे तो 20 आ जाएगा। अब जरा सा देखो, इसका जब हम लोग 3 माइनस LHCl निकाल रहे हैं तो माइनस 6 आ रहा है, और इसका RHCl निकाल रहे हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये 3 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ 3 आ रहा है, तो ये 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। अब इसके बाद C इज़ ग्रेटर देन 3 पे देखते हैं, जब C इज़ ग्रेटर देन 3 करेंगे तो फंक्शन आप एफ एक्स की जगह इसको लिखोगे तो एफ सी तो आपका मिल जाएगा 20, एफ सी तो 6c प्लस 2 मिल गया, तो एक दिखा दिया। तो हमने क्या देखा इससे, इन पांचों केसेस से ये नज़र आया कि ये फंक्शन हमारा हर जगह कंटिन्यूअस था एक्सेप्ट 3, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है इस फंक्शन को लगाने का, कि आप क्या करो, इसका ग्राफ बना दो। ग्राफ बना दोगे तो अलग अलग केस बांट करके पॉइंट लिख करके ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे, जैसे ग्राफ बनाओगे तो जैसे 3 पर जाओगे तो 3 पर हमारे ग्राफ में एक ब्रेक आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एक्स बराबर 3 पे या C बराबर 3 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे देखिए, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो जब रेसिप्रोकल फंक्शन आपको याद है, इसका डोमेन सेटअप ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 होता है, तो ये ग्राफ जो होता है जब x इज ग्रेटर देन 0 का होता है, और ये ग्राफ हमारा x इज लेस देन 0 का होता है। आप देख रहे हो कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं आ रहा, तो फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ इवन एविडेंस दैट द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो 0 से इसके बीच में कहीं ब्रेक नहीं है, ये इधर इन्फाइनाइट तक चला जाएगा ऊपर, इसी तरह 0 से छोटा होगा तो इसके ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। तो 0 तो है ही नहीं डोमेन में, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। तो एक तो ग्राफ से दिखा दिया, दूसरा तरीका इसका क्या है दिखाने का हमारा, कि भैया इसके डोमेन में हमने ले लिया, लेट सी बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, तो देन लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, बता 0 तो ले नहीं रहा हम लोग, तो एक्स की जगह लिखेंगे तो 1/c इज इक्वल टू एफ सी आ जाएगा, ठीक। तो हम कहेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी के बराबर है, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट। अब देखो, हम कहेंगे सिंस सी इज ए आर्बिट्रेरी रियल नंबर, सो इफ दिस इज ए कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 विच इज ए पार्ट ऑफ इट्स डोमेन, ठीक। ऐसे करके दिखा लेंगे हम लोग, ठीक है ना। बस खाली लिखना है आपको, एक एग्जांपल और देखते हैं बस, लास्ट आज का, दो और देखा जाए। कंटिन्यूटी, आप इस फंक्शन की बात करो तो इसका डोमेन क्या होता है, ये तभी डिफाइन होता है कि जब एक्स माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है, तो इसका डोमेन आता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन इन्फिनिटी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो जब ये कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन को सेट करने हो तो हम लोग क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 फ्रॉम राइट चेक करेंगे फॉर ऑल रियल नंबर, तो इसमें क्या होगा, और एक्स इज ग्रेटर देन 1 पे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ दो केस बनाएंगे, तो लेट सी बिलोंग टू डोमेन 1 टू इन्फिनिटी, तो दो केस बनेगा। एक बार सी इज इक्वल टू 1 बना लेते, जब सी इज इक्वल टू 1 बना लेते तो एफ 1 0 आ गया। अब 1 का RHCl निकालेंगे हम लोग, तो x टेंस टू 1 प्लस करेंगे, फंक्शन तो सब में वही आएगा, तो x की जगह 1 लिख देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि f1 इज इक्वल टू, है ना, f1
और इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर राइट एट एक्स इज इक्वल टू वन। अब दूसरा केस होगा सी इज ग्रेटर देन वन, तो सी इज ग्रेटर देन वन तो देन एफ सी, तो सी की वैल्यू एक से बड़ी कुछ भी लिखेंगे, जो भी यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लो चार लिख दिया तो चार माइनस एक आ गया, पाँच लिख दिया तो पाँच माइनस एक आया, तो सी लिख रहे तो अंडर रूट सी माइनस वन आ गया। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू, तो एक्स की जगह तो हमें क्या लिखना है, सी की जगह ग्रेटर देन वन लिखना है, तो यहाँ सी लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, एफ सी के बराबर है। तो ऑन कंबाइनिंग केस वन एंड केस टू, इट फॉलोज दैट एफ इज ए कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल वन एंड ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। तो ये है एक और लास्ट, बस खाली अंतिम एग्जाम्पल, आप देखो इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहोगे। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन है, इसका डोमेन रियल नंबर होता है और इसका रेंज जो आता था क्या आता था, सेट ऑफ इंटीजर्स आता था। तो जब भी इसको कंटिन्यूटी की डिस्कस की बात करते हैं तो हम लोग क्या करें, इसको दो केस में बांटते हैं। एक क्या करेंगे, इसका डोमेन या तो इंटीजर्स होगा या तो नॉन इंटीजर्स होगा। तो अगर हम इंटीजर्स ले लेते हैं, इफ़ सी बिलोंग टू इंटीजर्स, तो अगर कोई इंटीजर्स है तो आपको पता है कि जब भी इंटीजर्स लिखोगे तो आउटपुट इसका इंटीजर्स ही मिलता है। तो सी बिलोंग टू आई देन एफ सी इज इक्वल टू सी, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, एक्स जगह सी लिख देंगे इज इक्वल टू सी ही आता हमारा। तो और इसी तरह से एल एच एल भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो इंटीजर्स पे अब यही चेक करना है कि क्या होगा। तो आप उसको इसको ग्राफ जब इसको बनाओगे तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक इंटीजर्स ले लिया, तो अगर ये इंटीजर्स होगा तो इसके ठीक पहले का इंटीजर्स हमारा सी माइनस वन आ जाएगा और इसके बाद वाला इंटीजर्स जो हो जाएगा वो सी प्लस वन हो जाएगा, ठीक, सी प्लस वन हो जाएगा। और अगर आप किसी इंटीजर्स पे डिस्कस करोगे तो अगर आप इसका एल एच एल निकालोगे तो इसकी वैल्यू सी माइनस वन आएगी, और जब इसका आर एच एल निकालोगे तो इसकी वैल्यू सी आएगी। तो हम ये देखेंगे कि जो कंटिन्यू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन होते हैं कभी भी अपने हैं किसी भी इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होते, क्योंकि आपने ग्राफ बनाया होगा तो ध्यान से याद रखिएगा, ऐसे ऐसे करके इसका एक स्टेयर बनती थी, ऐसे करके सीढ़ी बनती थी, ऐसे ऐसे करके आपको याद होगा ग्राफ में ऐसे करके स्टेयर बनता था। तो जैसे इंटीजर्स पे जाते थे हम लोग तो इंटीजर्स पे इस पर ग्राफ में ब्रेक, मान लो इस पर निकालना था हम लोग तो इसका लेफ्ट पे ये आता, राइट पे ये आने लगता, तो ये इंटीजर्स पे कंटिन्यूस नहीं होते हैं और ये हो गया, इसीलिए एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं आएगा, ठीक। बस ज़रा सा और डिस्कस करना है लास्ट है, अगर हमने क्या किया वो इंटीजर्स नहीं हमारा है, तो अगर इंटीजर्स नहीं होगा तो क्या होगा, तो एफ सी इज इक्वल टू एफ सी के बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। या आप यहाँ ग्राफ से देख लो, ग्राफ पे देख रहे हो ना कि अगर वन लोगे तो वन के पहले ये जीरो आ जाएगा, वन के बाद में वन आ जाएगा, लेकिन अगर आप जीरो से वन के बीच में देख रहे हो तो जीरो से वन के बीच में कहीं ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, इसका मतलब इंटीजर्स को छोड़ करके ये। इसी तरह वन और टू के बीच में अगर ध्यान से देखोगे तो वन और टू के बीच में ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से टू और थ्री के बीच में। थैंक यू लिसनिंग फॉर मी, मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं भरसक प्रयत्न करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दे सकूँ। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ इसमें प्रॉपर्टी जैसे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीज़न, कंपोजिशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल फाइनल हो जाएगा। थैंक यू।